ये आप चेक करें कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे, कोहरा कितना गिर रहा है, बिल्कुल धुंधला हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पे सब बाकी सब तो अंदर चले जाएंगे, इसको शैडो को जिसका नाम है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ, इतनी ठंड हो रही है। ये अच्छी बात भी है, ये इसका जो गार्डिंग का जो नेचर है, जो गार्डिंग इंस्टिंक्ट है इसकी, उनको वो करता है पोर्ट्रे कि ये ब्रीड्स एक्चुअली किस वजह से थी। देखिए गेट पे आवाज़ हुई फ़ौरन, कितनी ठंड हो रही है, बट वो जाके गेट पे चेक कर रही है कि हो क्या रहा है। ये वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, इनका जो यूज़ है एक्चुअली यही है। ये देखिए इतनी ठंड में भी ये यहाँ पे इसी तरीके से खेल रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि जिस वजह से हमने इन कुत्तों को पाल रखा है, सिक्योरिटी पर्पस है मेन। तो अगर कुत्ता अंदर ही बैठा रहेगा ठंड से डर के, तो फिर कुत्ते का फ़ायदा क्या है। सो अभी हम चल के फीबी को भी दवा पिलाएंगे, उसको भी हमने जो कवर कर रखा है सामने की साइड, आप देखें वो खटिया लगा के, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो वो बच्चों की सेफ्टी की वजह से है जिस। बट अभी आप इस टाइम देखें टेम्परेचर 2 डिग्री के अराउंड है, और ये कैसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मई जून की गर्मियाँ चल रही हों, कंधों पर हाथ डाल डाल के। और यही इन कुत्तों की ब्लड लाइन शो करता है कि वर्किंग लाइन का कुत्ता आप रॉटवेलर क्यों, रॉटवेलर हो गया, जर्मन शेफर्ड या जो भी ऐसी वर्किंग लाइन है, वो क्यों वर्किंग लाइन कहलाता है। कि उन्हें ठंड गर्मी किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता। ये रफ़ एंड टफ ब्रीड्स हैं, इसीलिए इनको चूज़ किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। जो टॉय ब्रीड्स हैं, कंपेनियन डॉग्स आप कह लो, उन्हें आपको संभाल के रखना पड़ेगा। ये जो हैं ओवर द ईयर्स सैकड़ों साल से लोगों ने इन्हें ब्रीड ही इस वजह से किया जिससे ये आपकी हिफाजत में अपनी जान दे सकें। ये देखिए ठंड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये एग्रेशन में नहीं है इस टाइम। मैं देखिए आप इसके यहीं पे से हाथ रख लूँगा। हाँ क्या हुआ बता बोल। देखिए दोनों कितना लड़ रहे हैं, मैंने ये मुंह खोल लिया। अब एग्रेशन होना चाहिए कुत्ते में और इंट्रूडर्स के खिलाफ, बट हमारे लिए नहीं। ये आपने चेक करा, ये दोनों खेल रहे हैं, मैंने इसी टाइम इनके मुँह में भी हाथ दे दिया, बट कुछ नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि कुत्ता बिल्कुल ढीला भी नहीं होना चाहिए, बट कुत्ता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर मालिक के ही काट रहा है तो किसी बात का उसका फ़ायदा नहीं है, और अगर किसी के भी कुछ नहीं कह रहा तब भी वो किसी काम का नहीं है। इतनी बड़ी ब्रीड फिर ये किसी काम की नहीं है। अब आप चेक करें इनको यहाँ पे, इनका जो बिहेवियर है, ये खेल रहे हैं, मैं इनके पास जाऊँगा, ए रुक जाओ रुक जाओ, नैन से कितने गुस्से में मैंने फ़ौरन पकड़ लिया। हाँ ये दिखा मुँह दिखा, हाँ जी हाँ, ये रॉटवेलर है, गुस्से में रॉटवेलर इस टाइम। लो जी मुंह खोल दिया रॉटवेलर का, क्या कर दिया रॉटवेलर ने। ये सिर्फ मिथ्स हैं, कुत्ता होना चाहिए अग्रेसिव बट इतना नहीं है। आप इनका गेम चेक करें। हाँ जी आओ कम कम, हाँ ये देखिए, ये 2 डिग्री में खेल रहे हैं, ये 2 डिग्री सेल्सियस दिल्ली की ठंड में। ये होता है वर्किंग लाइन कुत्ता। ये आप देखो इस टाइम पूरा लॉन खाली पड़ा है, किसी की मजाल नहीं है यहाँ पे कदम रखने। ये पता है रॉटवेलर पला हुआ है, रॉटवेलर ऐसा ही होना चाहिए। कम, अब आप देखिए इसका मैं दिखाता हूँ आपको, किसी चीज़ से नहीं डरेगी। आ जा शाबाश, जाइयो। इस टाइम बॉल नहीं है, मैं इसे एक पत्थर फेंक के इसकी आपका अलर्टनेस चेक कराता हूँ। सेट, वहाँ पर अभी से पता चल गया मैं यहाँ पर आया हूँ तो अलर्ट मोड में आ गई फ़ौरन। अब खेलना फ़ौरन रुक गया, वो देखिए वहाँ तक खेल रही थी। शैडो गो फेच, देखो इतने अंधेरा है मैं दिख भी नहीं रहा, और ये रॉटवेलर का वो है कि वहाँ कहाँ घुस गई। मुझे भी इस टाइम सही में क्लियरली नहीं दिख रहा है यहाँ से विदाउट कैमरा भी। कम शैडो कम 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 शैडो, ये देखो एक आवाज़ दी फौरन। सेट गुड गर्ल, ये होना चाहिए कुत्ता। अब आप देखो इसे लगा कुछ नहीं है, वापस ढूंढने चली गई जो मैंने भेजा था, फर्स्ट कमांड जो था। इस टाइम लिटरली इतनी ठंड हो रही है मुझसे शूट नहीं किया जा रहा है, बट मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ कि रॉटवेलर एक्चुअली क्या ब्रीड होती है, वर्किंग लाइन कुत्ता क्या होता है। ये देखो झाड़ियों तक में घुस जाएगा। अच्छा आ जा शैडो, चल चल आ जा चल, ये देखो आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, शाबाश अब आ गए, अब खेल के मूड में आ गए, पकड़ ले। सो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आई होप आपको पसंद आएगा, कि रॉटवेलर के ऊपर वर्किंग लाइन बेसिकली, कि वर्किंग लाइन का नेचर क्या होना चाहिए। कि रॉटवेलर बिल्कुल ही डम्ब है जी, कुछ नहीं कह रहा, वर्किंग लाइन है तो उसको डम्ब नहीं होना है,
उसको दूसरे के खिलाफ और जिस पर्पज़ के लिए उसको पाला जा रहा है उसके लिए उसका एग्रेशन दिखाना लाजमी है, ज़रूरी है, और मालिक के ऊपर दिखा रहा है तो वो कुत्ता बेकार है। सो ये एक छोटा सा इस वीडियो का पर्पज़ था कि वर्किंग लाइन कुत्ता क्या होना चाहिए। ये देखिए आवाज़ आई, फिर अटेंशन मोड में आ गए। सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड द डेली अपडेट ऑफ माई पेट्स।